हेलो मनीष कुमार फ्रॉम एक्सेल इन्फो सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे न्यू लाइन एस सीरीज का नया फर्मवेयर अपडेशन में क्या क्या चेंजेज हुआ है। इसके पहले भी एक हमने छोटा वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है और चैनल पे बने रहे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो इससे अपडेशन से संबंधित आपको मिलने वाला है और मल्टी ब्रांड में हम लोग डील करते हैं लाइक न्यू लाइन मैक्सा वोटा प्रोमार्क सबका वीडियो एक सिक्वेंसली हम लोग अपलोड करते रहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप प्रॉब्लम हमको सेंड करें और एक छोटा सा सॉल्विंग वीडियो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। इसलिए आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में क्या क्या चेंजेज हुआ है। पहले वीडियो में भी हमने इस चीज का डिस्कस किया था कि क्या क्या चेंजेज हुआ है। अभी थोड़ा सा हमने वन बाई वन सारे टॉपिक पे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो नीचे वाला जो टूल बार था पहले न्यू लाइन एस सीरीज का या न्यू लाइन क्यू सीरीज का, ये तो न्यू लाइन एस सीरीज का अपडेट है, तो ये टूल ही एकदम से आपका चेंज है सबसे बड़ा चीज। तो जैसे हम यहाँ पे मेनू में देखते हैं तो मेनू में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको मिल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं मेनू में यहाँ पे ओपन मिल रहा है, सेव मिल रहा है, शेयर बाई क्यू आर कोड हो गया, बैकग्राउंड कलर। ओपन में क्या है कि ओपन में हमारे पास इतना सारा मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट आता था, बट अभी क्या है कि ऑल WBF पिक्चर PDF फॉर्मेट वीडियो ऑडियो यानी कि सारा चीज हम अपने व्हाइट बोर्ड पे क्ले कर सकते हैं या ला सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है ये भाग गया बैकग्राउंड कलर में देखते हैं, जो बहुत बड़ा एक मतलब कि ये कस्टमर का फीडबैक था कि इसमें बैकग्राउंड कलर काफी लिमिट है, तो हम लोग कस्टमाइज कलर देते थे, बट यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है। एक तो इंटरनल में हम इतना सारा पेजेस का हम ये बना सकते हैं, लाइक मान लीजिए हमको ये हमको बनाना है तो ये हमको बन जाएगा ना। फिर इसको भी हम लोग कर सकते हैं सिलेक्ट, इसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मैप ही करना है तो मैप का भी एक आपको बैकग्राउंड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन। अब आते हैं बैकग्राउंड कलर पे, बैकग्राउंड कलर पे आते हैं तो हमारे पास काफी सारा ऑप्शन मिल रहा है। पहला 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 तो कलर ऐसे ही मिल रहा है, प्लस मल्टीपल कलर ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ऐसे ऐसे करके काफी सारा कलर हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड वाला जो प्रॉब्लम था ना वो इसमें कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, इसलिए ये जो न्यू अपडेट आया है काफी अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास मेनू में आप देख सकते हैं ईमेल है, यानी कि हम मेल भी कर सकते हैं, एनोटेशन यानी कि राइट भी कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में देखते हैं, मोर ऑप्शन में बहुत अच्छा सेटिंग है, हम इरेजर को यानी डस्टर को कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक हम अभी ये सेट किए हुए हैं, तो जैसे हम कुछ भी यहाँ पे राइट करेंगे और इरेजर करेंगे सेलेक्ट, तो हमारा इरेजर का साइज थोड़ा सा यहाँ से हम बढ़ा देते हैं तो मेरा इरेजर इतना बड़ा हो सकता है, यानी कि काफी अच्छा हो गया। इस सीरीज में काफी प्रॉब्लम था, पूरा पाम हमको रखना पड़ता था, अभी क्या है कुछ भी यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं सिर्फ इरेजर करेंगे सेलेक्ट और पूरा का पूरा इरेजर आ जाएगा। अब इसको कुछ साइज छोटा करना है तो साइज भी हम छोटा कर सकते हैं यहाँ से, तो आपके अनुसार इरेजर का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है, आपको जितना साइज चाहिए, राइट। फिर यहाँ पे ऑप्शन है जो सेलेक्ट का ऑप्शन था वहां यहाँ भी आपको मिल रहा है, कोई भी चीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे पेन में हमारे पास जो ये ऑप्शन है मतलब कि ऑटो टेक्स्ट का, कुछ भी हम लिखेंगे तो ये आपको प्रीवियस एस सीरीज वाला फॉर्मेट में भी था, ये हो गया। सबसे अच्छा चीज इसमें क्या हुआ है, जो थिकनेस है पेन का बहुत अच्छा दिया गया है। इस सीरीज में थोड़ा सा पेन हमेशा मोटा रहता था तो बहुत सारे टीचर लोग का कंप्लेंट रहता था, सर जो भी चीज हम राइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ये क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ लोग करते थे। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये साइज का उसमें था, अभी क्या है कि हम यहाँ पे मिनिमम साइज भी कर सकते हैं 1, तो 1 वाला करते हैं तो देखिए, तो इस तरह का यहाँ पे आपको सेटिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे अच्छा चीज क्या है कि इसमें 3D शेप को ऐड किया गया है। यहाँ पे हम आते हैं टूल्स में, शेप में आते हैं,
हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास था 2D शेप, अभी क्या है मेरे पास आ गया है 3D शेप। 3D शेप में भी ऑलमोस्ट 10 फिगर आपको मिल रहा है, अपने आवश्यकता के अनुसार हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल चीजें हम लोग को एस सीरीज में ही एंड्रॉयड लेन में ही मिल रहा है, और इसी बोर्ड में मिल रहा है। जो न्यू स्लॉट जो भी आने वाला है बोर्ड हम लोग का, सारा यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आएगा। इधर जो भी हमारे क्लाइंट है वो जो ए सीरीज ले चुके हैं, उनका भी हम लोग यही सॉफ्टवेयर अपडेट कराने वाले हैं। टूल्स में बहुत सारा फीचर है, जैसे यहाँ पे फॉर्म, जैसे मैक्सअप वगैरह में, इवोटा वगैरह में भी, प्रोमार्क में भी ये सब ऑप्शन था फॉर्म। उसमें क्या था कि हम लोग कितना रो, कितना कलम का, टेबल का ये कर सकते हैं डिजाइन, बट यहाँ पे आपसे, आपके पास ऑप्शन है कि कितना रो चाहिए। सपोज हमको यहाँ पे 8 रो चाहिए और कलम हमको कितना चाहिए, 4। तो अपने अनुसार हम लोग टेबल यहाँ पे यानी कि फॉर्म एक डिजाइन कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे हम पेन को करेंगे सिलेक्ट, अपना जो भी यहाँ पे 1 ऐसे से करके अपना आवश्यकता के अनुसार कुछ कर सकते हैं। तो ये एक चीज बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। और सबसे अच्छा चीज क्या है ना कि इस कॉलम का ना, पार्टिकुलर कॉलम का साइज भी है ना ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट जो इसमें फीचर एड ऑन किया गया है वो स्टिकी नोट तो था ही, इसमें दो तरह का स्टिकी नोट दिया गया है। एक तो ग्लोबल स्टिकी नोट दिया गया है, एक करंट स्टिकी नोट दिया गया है। दोनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टूल्स में एक पजल बैग भी है जो हमको ऑलरेडी न्यू लाइन एस सीरीज में मिल रहा था, ये अपडेट ऑलरेडी था पहले से। नेक्स्ट हमारे पास वेब ब्राउजर, जो हम लोग सर्च इमेज करते थे, गूगल करते थे, ये भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसका हम एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड में 4 स्प्लिट स्क्रीन हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या था कि 3 ही स्प्लिट स्क्रीन कर सकते थे। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होगा, अभी हमारा 3 हो गया। हम यहाँ पे 4 को करेंगे सिलेक्ट, हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ना 4 भागों में डिवाइड हो गया। सपोज इसका कलर कोई कुछ और है, इसका कलर कुछ और रहेगा, इसका कलर कुछ और है, और इसका कलर कुछ और है, और सबका अपना इरेजर क्लियर टूल्स सारे बोर्ड का मिल जाएगा। यानी कि एक बोर्ड में हम 4 बोर्ड बना के वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे पेजेज में कितना वर्क किए हैं, सारा पेजेज आपको व्हाइट बोर्ड पे ही दिख जाएगा एक साइड में। और हम अपने आवश्यकता के अनुसार पेज को यहाँ पे रीओपन और ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और टूल्स दिया गया है, जैसे मेनू हमारा सपोज यहाँ है और हम यहाँ पे अभी हैं, तो फिर हमको वहां नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम मेनू को यहाँ कॉल कर लेंगे। तो ये सारा फंक्शन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो फिर इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।